गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बचे हैं सुबह के 5:30 और मैं इस वक्त बाहर हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बाहर। तो अपनी गाड़ी में हूँ, काम था थोड़ा, इसलिए 4 बजे का निकला हूँ सुबह। और मुझे लगा कि जब तक मैं फ्री नहीं होता हूँ तब तक व्लॉग बना लेता हूँ। तो मैं, ये देखिए गाइस, सुबह सुबह कितनी प्यारी, मौसम भी आज अभी तक बहुत अच्छा है। और जंगल से गुजरते हुए आज का जो व्लॉग है वो सुबह 5:30 बजे शुरू कर लिया मैंने। और 5:30 से लेके अभी तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी मंजिल की तलाश में हूँ, मंजिल नहीं मिल रही है। तो गाइस, मैं न्यूज़पेपर स्टॉल्स में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होते हैं, वो देखने के लिए आया था। तो बस स्टैंड जाना पड़ा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बैठे थे वहाँ पे देखा न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बस ये मेरा काम था। अब थोड़ा घूम रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसे कहेंगे इट वॉज रूटीन इंस्पेक्शन, नथिंग एल्स। इसलिए मैं जल्दी उठा था और जल्दी बाहर निकला था। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी इस वक्त हम डीसी ऑफिस से बाहर निकले थे थोड़ी देर पहले, और उसके बाद फिर प्रिंटिंग प्रेस से के ऑनर से साइन करवाने थे, तो वो भी करवा लिए मैंने। और इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ, मेरे साथ आहिल भी है, लेकिन आहिल को गर्मी लग रही थी तो मैं उसे बाहर नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि आज बाहर बहुत गर्मी है। ये देखिए डीसी ऑफिस की लोकेशन, गाड़ियाँ लगी हुई हैं काफ़ी सारी। और अब तो क्लोजिंग पे था क्योंकि टाइम हो गया था, लेकिन मुझे फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले से साइन भी करवाने थे तो वो मैंने करवा लिए। और अब यहाँ से हम फ्री हो गए, नहीं फ्री नहीं हुए हैं, कल हमारा वो उस पर स्टैंप लगनी है। वहाँ की कोई एम्प्लॉय एक थी जिसके पास स्टैंप वगैरह जो लगाती है वो चली गई थी, तो कल हमें फिर से जाना पड़ेगा तो स्टैंप लगवा के उसके बाद सबमिट करवानी पड़ेगी फाइल हमारी जो डिक्लेरेशन की है। प्रेस एक्चुअली हम प्रिंटिंग प्रेस हमने चेंज किया है तो उसकी डिक्लेरेशन लेनी थी, तो वो कल हो जाएगी कम्प्लीट। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है डिक्लेरेशन हो जाएगी कल। और उसके बाद फिर हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं इन्होंने, इंफॉर्मेशन वाले ने, वो कल जमा करवा देंगे इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स, तो हमारा काम हो जाएगा ऑफिशियल सारा कंप्लीट। फिर 5-6 दिन में ये फाइल मिल जाएगी डिक्लेरेशन की, वो दिल्ली भी भेजूँगा, बाकी जहाँ जहाँ भेजनी होती है वो भेज दूँगा। तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर श्रीनगर के लिए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है और गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और आहिल से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो विद इन कपल ऑफ डेज़ हम यहाँ से निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए। तो उसके बाद फिर 1-2 महीना हम वहीं रहेंगे, इन्जॉय करेंगे, खूब व्लॉगिंग करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी हम वापिस जा रहे हैं घर की तरफ, काम शाम भी हो गए, आहिल घूम भी लिया आहिल ने, लेकिन आहिल ने खाया कुछ नहीं क्योंकि इसको लूज मोशन लगे हुए हैं, तो इस करके इसने खाया कुछ नहीं, ना फ्रूट ना जूस। तो अभी बस नेशनल हाईवे पे हैं, कुछ ही मीटर्स पे हम कट मारेंगे लेफ्ट साइड,
अपने लिंक रोड पे और फिर आ जाएगा हमारा एरिया। तो गाइस वैसे खुशी की बात यह है कि एक्सप्रेसवे का काम लग चुका है, हमारे यहाँ एरिया में भी काम लग चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल मैं काट मारा मैंने और ये आ गया मैं। ये लिंक रोड हमारा, ये हमारा एरिया है। और गाइस ये देखिए ये बन गया एक्सप्रेसवे का जो काम लगा हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए कि एक्सप्रेसवे का काम लगा हुआ है। और मुझे लगता है ये विद इन कपल्स ऑफ ईयर, मतलब 2-3 साल में ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी, अभी कुछ देर पहले तक तो ये चल रहा था कि यार हाँ यहाँ से बनेगा और अचानक से मतलब काम स्टार्ट हो गया, कटिंग हर जगह कटिंग हो गई है। तो इस हिसाब से लगता है कि काफ़ी जल्दी काम लगेगा। चलो ये तो अच्छी बात है, काम जल्दी होना चाहिए। ये पहुंच गए हम, तो ये आ गया हमारा एरिया और हम घर पहुंच गए। अब चलते हैं अंदर। आगे गाड़ी क्यों रुकी है, गाड़ी को साइड में करवाएंगे। बस गाइस हमारे आज के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। इम्पोर्टेंट हमारे लिए वही था डीसी ऑफिस का, जिसमें प्रेस वाले का साइन, प्रेस ओनर का साइन चाहिए था, प्रिंटिंग मशीन का साइन ज़रूरी था, तो वो हो गया। अब कल सबमिट करवा दूंगा मैं। तो सारा काम हमारा फाइनल हो गया, अब बस कल सबमिट करवानी है डीसी ऑफिस में फाइल, और 2-4 दिन में फाइल मिल जाएगी। इसके लेसेस भी खुले हैं, तो ये गाड़ी मैंने लगा दी, अब फ्री हो गए हैं। ये बाबा खुश हो गए हैं। तो बस ईद यहाँ करेंगे और ईद निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए मेरी पुरानी बाइक, मेरी पहली बाइक मेरी, ये बहुत अच्छी थी। चलो आहिल बाबा, ये अब आप चलाओगे, अब आहिल चलाएगा ये पुश्तैनी बाइक। चलो बाबा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, मैं जा रहा हूँ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी आ जाओ ना बाबा, अंदर आओ, कम हेयर, कम हेयर, कम इन। आहिल अभी बिजी है वीडियो देखने में और मूड भी थोड़ा सा ख़राब तो नहीं है, ऐसे थोड़ी सी तबीयत ख़राब है आहिल की, इसलिए कोल्ड हो गया। कल से फीवर था, कल तक, आज फीवर नहीं है।